जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में एजेंसियों द्वारा, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा जितने मुकदमे नेताओं पर करे गए, उसमें से 95% मुकदमे बीजेपी के राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ, यानी कि बीजेपी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यानी कि विपक्षियों के खिलाफ किए गए। आप सब ये बात जानते हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में बताया जाता है कि 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए। 125 में से लगभग 118 बीजेपी के राजनैतिक विरोधी हैं, यानी कि विपक्ष के नेता हैं। ये तो जग जाहिर है, आप सबने देखा, समझा, कई अखबारों में भी पढ़ा। और बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदंबरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया गया। पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे, और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये चलता आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होती है, वो बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है इंडिया गठबंधन का बनना। इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा पूरी तरीके से डर गई, घबरा गई, और भाजपा को ये समझ में आ गया कि अभी तक वो ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। और इसी के चलते हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी है। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है, ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता है इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा, पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ, तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी।